बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो आज जो रेसिपी लेके मैं हाजिर हुई हूँ वो है नमक पारे की रेसिपी। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैंने यहाँ पे एक कप लिया है मैदा, 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगे घी के, 1 टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टी स्पून अजवाइन, और वाटर मैं लूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो चलते हैं नमक पारे बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने इसमें मैदा डाल दिया। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट और अजवाइन ऐड कर दूंगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब घी, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी इसमें। इस डो को भी आपने सख्त रखना है, समोसों की डो की तरह। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मेरी डो बिल्कुल सेट हो गई है। मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूवर्स, ये मैंने यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको बेलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, ये आपने फ्लैट प्लेट ले लेनी है, तो यहाँ किसी भी देसकी का ढक्कन यूज कर सकते हैं। आपने इसको ब्रिक बेल लेना है। कि मैंने इस तरह ये सारा बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। देखिए, अब हमने इस तरह काट लेने। ये देखिए, पहले आपने वर्टिकल काटनी है, उसके बाद आपने हॉरिजेंटल रख के काट लेनी है। ये इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह के खाने हैं, इसकी कोई शेप का कोई हिसाब नहीं होता। ये देखिए, अब मैं इसको फ्राई करने की तरफ चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया, तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। पहले एक डाल के चेक कर लेंगे। ये देखें, ये अपलोड करके ऊपर आ गया। अब मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छा सा कलर आ ले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, बस हमें इसको इतना ही कलर देना है। जब भी ज़्यादा गर्म हो जाए, तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें।
इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए व्यूवर्स, मेरे नमक वाले बन के बिल्कुल तैयार हैं और ये बिल्कुल खस्ता बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।